जी स्टूडेंट असल आई एम लाइव राइट नाउ काइंडली ज्वाइन मी इन द सेशन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दें आई एम लाइव थोड़ा सा जरा आया हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था ग्रुप में भी ज़रा मैं मैसेज कर दूँ वेरी गुड ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हमें स्टूडेंट है थर्टी टू जैसे ही हम फिफ्टी परसेंट को क्रॉस करेंगे इनशाला तो फिर हम लेक्चर जो है वो शुरू कर लेते हैं आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है वालेकुम असला थर्टी फाइव स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए थैंक यू हमजा हफ्जा जैनब थैंक यू आमना थैंक यू एंड ऑल जो भी अब रिप्लाई जिनको आ रहा है सबको थैंक यू अच्छा मुझे एक बार बताइएगा क्या आपके नज़दीक ये वे ऑफ टीचिंग जो है थ्रू एफ़ बी लाइफ ये ठीक है या मुझे कोई और वे फॉलो करना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ूम वगैरह के जो ऐप्स आई हुई हैं ये ठीक लगता है आपको वे या मुझे उन पर जाना चाहिए या आप लोगों के ऊपर है जैसे आप कहेंगे बिकॉज आई एम करेंटली नॉट गुड एट जूम मुझे नहीं पता कैसे जूम को यूज़ करते हैं लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे तो मैं उसको सीख लूँगा फिर लेकिन मेरे नज़दीक आई गेस अभी तक ये ठीक है कोई क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और ये रिकॉर्ड भी हो जाता है और दरमियान में किसी किस्म की कोई इंटरप्शन भी नहीं होती लेकिन अगर आप में से किसी को एतराज है इस पर या अगर मेजॉरिटी कहेगी कि, कि नहीं जी उस पर मूव करना चाहिए तो डेफिनेटली आई विल एक कहती है ठीक है ये जहन अब कहती है यूनिवर्सिटी बुला लें हमें बुला लेते हैं बेटा हौसला दुआ करें जल्दी जल्दी ठीक हो हमजा भी कह रहा है ये ठीक है तो ओवरऑल मेरा ख्याल है जनरल जो पब्लिक है उसके नज़दीक ये ठीक है चलो जी फोर्टी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, आ, जरी भी कह रही है दिस मैथड इज़ गुड फीफा भी कहती है सर ये ठीक है आमना भी कह रही है सर इट्स फाइन रिदा भी यही कह रही है इंडस्ट्रियल के लिए यही ठीक है हम माद साहब भी यही कह रहे हैं वेरी गुड रेफ भी पे ही से ही समझ आ रही है चलें बड़ी अच्छी बात है रीज को भी समझ आ रही फरीहा सर ये ठीक है सर जूम पे नहीं प्लीज आ, वो समझ नहीं आ रहा फजीला भी यही कह रही है जी हम यही फॉलो करेंगे और फोटी टू स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है हम यह फिफ्टी परसेंट फोर हो गए हैं अब फिफ्टी परसेंट ने जॉइन कर लिए तो हम लोग जो हैं वो लेक्चर को शुरू करते हैं और जो रह जाए वो काइंडली इस वीडियो को दोबारा से वापस उसको जो है वो बैक करके तो सुन सकते हैं आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द लेक्चर अच्छा सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको असलकम और उम्मीद है कि आप लोग सारे घर में स्टे कर रहे होंगे और घर वालों की भी हिफाजत आपके ऊपर ही बेस करती है ख़ासतौर तो पर लड़कों के ऊपर जो बाहर बहुत फिरते हैं तो काइंडली घर में स्टे करें ताकि आप बाहर से किसी किस्म का कोई वायरस जो है अपने साथ कैरी ना करें ठीक है जी और अगर आपको ज़ुकाम या फ्लू हो रहा है तो काइंडली उसको तरीके से मैनेज करें मुझे दो दिन पहले थोड़ा सा गले में दर्द थी तो मैंने कोर्स किया जिसमो माइसिन का तो ना आई एम फाइन तो ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लू जो है वो कोरोना ही हो आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो चांसेस हो सकते हैं तो फार्मासिस्ट आप ज़रूर एजोमेक्स का कोर्स कर लें अगर किसी के गले में यह हल्का सा फ्लू उस किसी को हो रहा है तो ठीक है जी अच्छा जी जस्टडे हम लोगों ने अससमेंट ऑफ इमल्शन जो है शेल्फ लाइफ वो हमने की थी और आ, मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर के जो है बेसिकली उसके दो मैथड है स्टेबिलिटी चेक करने के एक है बाई अप्लाइंग स्ट्रेस और दूसरा है कोई ऐसे पैरामीटर्स जो कि सेंसिटिव हों इमल्शन के ऊपर उनको चेक करने के तो जहाँ तक बात है हमारी इमल्शन की स्ट्रेस वाली तो वो हमने तीन पैरामीटर्स फ़र्दर किए थे उसके अंदर हमारे पास एजिंग और टम्परेचर था सेंटिफ्यूगेशन था और एजिटेशन था तो ये तीनों जो हैं ये हम लोगों ने कर लिए हुए हैं अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ जो कि डिफरेंट ऐसे पैरामीटर्स स्टडी करना जिनकी बेसिस पे आपको ये पता लगे कि आपका इमल्शन जो है वो सही रह गया या ख़राब हो गया तो बुक कहती है कि सी का टेस्ट पैरामीटर दैट इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनस्टेबिलिटी दैट मेयर दैन मेयर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन तो ऐसा पैरामीटर सर्च करना जो आपको बता सके कि आपका इमल्शन जो है वो किन से सेंसिटिव है और वो ठीक है या नहीं है तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो केमिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं और उन केमिकल uh, पैरामीटर्स और फिज़िकल दो किस्म के पैरामीटर्स इसके अंदर आते हैं जो कि हम लोग चेक करते हैं एक केमिकल हैं और दूसरे फ़िज़िकल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पी ई जी और इस डेरिवेटिव्स, ऑटो ऑक्सीडाइज अनडिज़ायरेबल कलर डरेवेटिव को यूज़ कर रहे हैं अपनी इमल्शन के अंदर तो अगर ये इमल्शन ख़राब होगा तो सबसे पहले होता क्या है कि पी जी और उसके डरेवेटिव के अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाती है और उस ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से आपके मटेरियल के अंदर अनडिज़ायरेबल कलर आएगा ठीक है तो अगर आपकी आ, प्रेपरेशन के अंदर आपके इमल्शन के अंदर कोई अनडिज़ायरेबल कलर आता है तो इट मींस कि उसके अंदर कोई उसकी जो इंस्टेबिलिटीज़ हैं वो जनरेट हो गई हैं दूसरा इसके अलावा ये बेसिकली यू कल भी हमारी बात हुई थी कि जो केमिकल पैरामीटर हैं वो जनरली इंस्टेबिलिटी जनरेट करते हैं बाई चेंजिज इन दी ड्राई इलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ द इमल्शन और अगर आपको याद हो तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट मैंने आपको बताया था ये एबिलिटी होती है किसी बॉडी की टू स्टोर चार्जेस तो जैसे ही आपकी ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी या इस किस्म का को कोई फिनमिना होगा तो दे विल बी अ चेंज इन दी डाइलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ़ दी इमल्शन और उसकी वजह से जो भी चेंजेस आएंगी कलर चेंज आता है स्मेल आती है और चीज़ें आती हैं तो उससे आपको पता लगेगा कि आपका इमल्शन जो है आपको असेस कर लेंगे कि ये इनस्टेबल है थ्रू आउट दी शेल्फ लाइफ फिर नैक्सट पैरामीटर जो हमारे पास आता है वो आता है फिजिकल पैरामीटर फ़िजिकल पैरामीटर के अंदर फिर फर्दर फोर सब डिविजन है फेस सेपरेशन है विस्कोसिटी है एलेक्ट्रोफ्रोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं और पार्टिकल साइज़ एनालिसिस एंड पार्टिकल साइज काउंट है अब ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको फिज़िकली अगर आप इमल्शन को देखते हैं वो इमल्शन जिसको आपने स्टेबिलिटी के लिए शेल्फ़ लाइफ के अंदर रखा हुआ है मीनज आप शेल्फ़ लाइफ के विद इन शेल्फ लाइफ आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो यू विल सी फॉर इट्स फेस सेपरेशन फ़ेस सेपरेशन का हम लोगों को पहले भी पता है मैं दोबारा आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर ऑयल फेज अलहदा हो जाता है और वाटर फेज अलहदा हो जाता है और इसको वर्चुअली आप नेकेड uh, आई से आप इसको देख सकते हैं अब ये फेस सेपरेशन जो है ये क्रीमिंग की वजह से भी हो सकता है ये फ़ेस सेपरेशन जो है कॉलेसेंस की वजह से भी हो सकता है जो चीज़ें पहले आप पढ़ चुके हैं तो इस केस के अंदर अगर आपकी इमल्शन के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं तो आपने पहले तो देखना है कि आपका इमल्शन जो है वो क्या रूम टेम्परेचर पर पड़ा था या जो हमने एक एक टम्परेचर रेंज उसकी सेट की थी फोर डिग्री सेंटीग्रेड से फोटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर तो उसके अंदर रहते हुए ये काम हो रहा है तो डेफिनेटली यह अलार्मिंग सिचुएशन है और आपका इमल्शन जो है वो शेफ़ लाइफ जो आपने उसको दी है उसमें स्टेबल नहीं है मीन असेसमेंट जो है वो फेल हो गई है तो इसकी इसके अलावा अमाउंट भी देखनी है कि क्रीमिंग हुई है तो कितनी हुई है क्वालिस हुई है तो कितनी हुई है क्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि फेस सेपरेशन की तरफ मूव कर गया है या सम टाइम क्या होता है कि ये आपने इमल्शन बनाया था उसकी स्टेबिलिटी आपने रखी शेफ़ है रखी फॉर एग्जांपल वन ईयर तो टेन मंथ पे जाके थोड़ी सी क्रीमिंग स्टार्ट हुई तो उस केस में आपका इमल्शन जो है आप क्या करोगे कि उसकी शेफ़ लाइफ को दस मंथ पे ले आओगे बजाय बारह मंथ पे करने के तो और उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर उसी के दौरान वो सेकेंड मंथ में ही आपकी इन आ जाती है तो फिर डेफ़िनेटली आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है ठीक है जी फॉर एग्ज़ाम्पल लो लेवल बिलो जीरो जीरो पॉइंट वन परसेंट विजिबल क्वालिशेंस ऑफ देश अकर्ज ओनली आफ्टर वन मंथ स्टोरेज द अमाउंट ऑफ कॉलेसेंस विद इन एन एमल्शन एट रूम टम्पेचर डिपेंड ऑन दंस एमसीफायर जितना ज़्यादा आप इमल्सिफायर एड करेंगे उतना मीन उतना ज़्यादा इमल्शन स्टेबलाइज होगा और जितना कम एमल्सिफर एड करेंगे उतनी क्वालिशेंस के चांसेज हैं वो ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जी अगर आप वन परसेंट विजिबल क्वालिशेंस आपको मिलती है ऑयल फेज के अंदर विद इन वन मंथ एड कंसनट्रेशन टू टू फाइव परसेंट विजिबल क्वालिशेंस इज़ नेगलिजिबल इवन आफ्टर टू ईयर ऑफ स्टोरेज तो क्वालिशंस अगर आपको दो से पाँच परसेंट तक आपको मिलती है टू ईयर्स तक तो ये नेगलिजिबल uh, है मीन आपका इमल्शन ठीक होगा आप इसको मीन uh, आप ख़त्म नहीं करेंगे आप रहे रहने देंगे इसको और ये चलता रहेगा मार्केट के अंदर तो ये ऑन एवरेज पॉइंट वन परसेंट बनती है विजिबल क्वालिशंस पर मंथ ठीक है तो इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपके इमल्शन के अंदर कॉलिसंस अर्ली हो गई है पहले हो गई है मीन आपका जो ड्यू टाइम था उससे पहले हो रही है तो फिर आप एक से ज़्यादा एमलिफाइज का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं और वो एक से ज़्यादा एमसिफा का कॉम्बिनेशन जो आप यूज़ करेंगे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एच एल बी वैल्यू ऑफ़ द इमल्शन आप निकालेंगे ऑयल की एच एल बी वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर आ, उसके हिसाब से आप अपना जो एमल्सीफायर है वो एक या एक से ज़्यादा का कम्बिनेशन प्रिपेयर करेंगे और उसको फिर आप अपने इमल्शन के अंदर ऐड करेंगे टू मेक योर इमल्शन स्टेबल ठीक है जी तो ये हमारे पास फेस अप्रेशन के अंदर आता है इसके अलावा हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉलिसेंस एंड क्रीमिंग टेक साम्पल ऑफ दल्शन टैप एंड बॉटम आफ्टर द स्टोरेज एनालिसिस अब एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर करते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे इमल्शन के अंदर कॉलिसेंस हुई है या क्रीमिंग हुई है ठीक है क्योंकि कॉलिस जो है वो ज्यादा डायवर्सिटिंग है एज कम्पेयर टू क्रीमिंग क्रीमिंग की तरफ लीड करती है लेकिन कॉलिसेंस में तो बिल्कुल ही फेस हो जाती है तो इसके अंदर जरूरी होता है कि आप क्योंकि क्रीमिंग टॉप और बॉटम पर होती है तो आप सैंपल विड्रॉ करते हो टॉप से भी और बॉटम से भी ठीक है और उसको एनालाइज करते हो अंडर दी माइक्रोस्कोप और वहां पे आपको पता लगता है अगर तो टॉप और बॉटम सिर्फ उसी दोनों जगहों पे है तो वो क्रीमिंग है अगर थ्रू आउट दी इमल्शन है तो कॉलिसेंस ठीक हो गया जी Uh, इसके बाद जो पैरामीटर आ रहा है हमारे पास पहला पैरामीटर आपने कर लिया फेस अपरेशन का दूसरा पैरामीटर आ रहा है विस्कोसिटी का यूज़ ऑफ विस्कोसिटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेल्फ इज़ नॉट कंसर्न विद एब्सुलूट वैल्यू ऑफ विस्कॉसिटी अब विस्कोसिटी होता क्या है कि जब आपकी इमल्शन के अंदर फेस सेपरेशन या आपके इमलशन के अंदर इनस्टेबिलिटी आना शुरू होती है तो बेसिकली क्या होता है कि क्रीमिंग होगी या क्वालिश होगी या फेस सेपरेशन होगी अब जब क्रीमिंग होगी क्वालिशस होगी तो वो पार्ट जहाँ पे ज़्यादा ऑयल चला गया है वो या तो विस्कस हो जाएगा या ऑब्वियसली विस्कस हो जाएगा और वो पार्ट जहाँ पर पानी ज़्यादा आ गया है वो लेस विस्कस हो जाएगा तो विस्कॉसिटी आउट दी इमल्शन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी विस्कॉसिटी कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी अगर वेरिएशन इन दी विस्कॉसिटी आपको मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपका इमल्शन जो है आइदर सेपरेट हो रहा है या इनस्टेबल है या इट इज मूविंग टूवर्ड इनस्टेबिलिटी इमल्शन इज नॉन न्यूटोनियन सो इक्विपमेंट शुड यूज शुड बी ऑफ यूनिवर्सल यूटिलिटी हम लोग वही आपने विस्कोमीटर्स यूज़ किए हैं वही विस्कोमीटर जो है वो आप लोग यूज़ करके तो उससे हम लोग विस्कोस चेक कर सकते हैं खतीजा कहती है टू एमल्सीफायर परफॉर्म सिमिलरली एंड क्वालस कैन बी ऑब्जर्व क्वाइट अर्लियर इस लाइन का क्या मीनिंग है हाँ जी यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है ऑफ टू एमल्सीफायर इमल्शन क्वालिसेंस अर्ली अगर आप एक से ज्यादा एमल्सिफायर को यूज करते हैं तो देर आर चांसेस कि आपका इमल्शन अर्ली क्वालिसेंस कर सकता है ठीक है इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज दो emulsifier जहाँ पे आपके पास पहले तीन चीज़ें थी वाटर ऑयल और emulsifier अब चार चीज़ें आ गईं वाटर ऑयल एमल्सिफाय एमल्सिफायर बी तो इन चारों को यूनिफाम रखने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसलिए ये जल्दी भारने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से तो तीन अगर होंगे तो उनको पास रखने के लिए एनर्जी भी कम आपको रिक्वायर है सो तो व इमलशन ज़्यादा जल्दी यून होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा एमल्सिफायर यूज़ हो सर कॉलिस फेस सेपरेशन कर देगी तो ईजिली आइडेंटिफाई नहीं हो जाती फिर तो क्रीमिंग हाँ जब बेटा आपको ईज़िल आइडेंटिफाई हो जाएगी तब तक टाइम बहुत गुजर चुका होगा और इमल्शन बिल्कुल ही ख़राब हो चुका होगा ये हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही कॉलेसेंस और क्रीमिंग स्टार्ट हो जब ये दोनों स्टार्ट होती हैं तब अंदाज़ा नहीं होता कि कॉलिसंस है या क्रीमिंग है उसके लिए आपको माइक्रोस्कोपिकल एवेल्युएशन करनी पड़ती है क्योंकि अभी हम अभी ये जो एंड यूज़र है वो ये काम नहीं कर रहा ये इंडस्ट्री के अंदर असेसमेंट हो रही है उसकी तो वो अपना सैम्पल रख देते हैं स्टेबिलिटी के अंदर और फिर ग्रेजुअली उसको टेस्ट करते रहते हैं कि अभी इसके अंदर क्या चीज़ आई है क्या इसके अंदर जो है वो क्रीमिंग हो रही है कॉलिश हो रही है किस टाइम पे हो रही है कितने देर तक हो रही है तो फिर वन मंथ और टू ईयर का कॉन्सेप्ट किस में आएगा टा डिपेंड करता है सम टाइम सिंगल एमल्सिफायर के साथ आपके पास शेफ़ लाइफ प्रॉपर नहीं आती आपको फिर कम्बिनेशन में एमल्सिफायर में जाना पड़ता है सम टाइम कम्बिनेशन एमल्सिफायर से शेल्फ लाइफ ठीक नहीं आती आपको कोई एक देखना पड़ता है तो इट ऑल डिपेंड्स और बाकी जहाँ तक शेफ़ लाइफ की बात है तो एक तो शेफ़ लाइफ टेंटेटिवली रखी जाती है एक होता है एक होती है हिट एंड ट्रायल मैथड से और एक होती है एम्पेरिकल मैथड से जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उसके अंदर आप अपने अंदाजे से रख देते हैं जो एम्पेरिकल है उसमें बकायदा आप पहले टेस्टिंग करते हैं कितने टाइम तक स्टेबल रहेगा उतनी लाइफ उसको दी जाती है सर एमल्सिफाइंग एजेंट का काम तो स्टेबल करना है बिल्कुल करना है कोई इसमें गलत बात नहीं है ऐमन स्टेबल करना ही है लेकिन देखें मैं जो बात कर रहा हूँ कि इस फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये ऑयल है और ये वाटर है इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको दरमियान में एक एमल्सीफायर चाहिए जिसने इनको रोका हुआ है अब अगर ये एमल्सीफायर एक से ज़्यादा हो जाते हैं से दो एमल्सिफायर हो जाते हैं तो मुझे इनको होल्ड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपस में ठीक है तो इसलिए जब क्वांटिटी मल्सिफायर बढ़ती जाती है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है इसलिए हम ये कहते हैं कि एक एमल्सिफायर बेहतर है एज कम्पेयर टू दो लेकिन ये एंड ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ठीक है जी जो विस्कोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं विस्कॉस्टिव डिटर्मिनेशन के लिए उसमें कौन एंड प्लेट टाइप विस्कोमीटर है ये कौन एंड प्लेट टाइप विस्कोमीटर जो है इसके अंदर एक कौन होती है और एक प्लेट होती है और प्लेट के ऊपर कौन जो है वो रोटेट करती है और इसके इर्द गिर्द सारा जार के अंदर बीकर के अंदर या जो भी आपका इक्विपमेंट है उसके अंदर आपका मटेरियल होता है ये फ्रीली रोटेटिंग कौन होती है तो जैसे ही इसके अंदर आप विस्कस मटेरियल डालते हैं वो विस्कस मटेरियल रोकने की कोशिश करता है या हर्डल प्रोवाइड करता है इसकोन को तो जब इसको जो हर्डल मिलती है स्कोन को उसकी वजह से फिर जितनी ज़्यादा हर्डल होगी उतनी विस्कासिटी ज़्यादा होगी ठीक है ये मैकेनिज्म सेम है जो आपने यूज़ किया अपने ब्रुकफिल्ड विस्कोमीटर में लेकिन ये टाइप जो है थोड़ी सी फर्क है इसके अलावा पेनेट्रोमीटर इज़ यूजफुल इन हेल्पिंग टू तो डिटेक्ट चेंजेज इन विस्कॉसिटी ईद विस्कस इमल्शन विद टाइम एक और है पैनेट्रोमीटर भी होता है ये भी चेंज इन विस्कासिटी को बताता है ग्लोब्यूज इज प्रिपेयर्ड वाटर इन ऑयल इमलशन फ्लॉक्यूट क्विकली ऑयल इन वाटर इमल्शन बिहेव क्वाइट डिफरेंटली इमिग्रेट इंक्रीज इमिग्रेशन इंक्रीज इन इन विस्कस विस्कॉसिटी ऑन फ्लोकुलेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स आफ्टर इनिशियल चेंज ऑल इमल्शन शो चेंजेस इन कंसिस्टेंसी विद टाइम विस्कस मेजरमेंट विस्कॉसिट शुड बी कैरिड आउट इन अनडिसर टू अवॉइड चेंजेस ड्यू टू प्रीवियस स्ट्रेस तो वो ये कहना चाहता है यहाँ पे कि आपका जो भी आप बनाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी आ चेंज इन विस्कोसिटी जस्ट लाइक द सस्पेंशन जो हम सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जी फेथ ऑफ सस्पेंशन क्या है टू सेटल डाउन हमने क्या करना होता है हमने बनानी ऐसे होती है कि उसको रीडिस्पर्स करना आसान हो जाए सेम इज़ द केस हेयर कि इसका भी फेथ है कि देर विल बी अ चेंज इन विस्कोसिटी अब चेंज इन विस्कोसिटी इसलिए हो रही है बिकॉज जो डेंस पार्ट है या ऑयल है वो सेटल डाउन कर रहा है या टॉप पे आ रहा है और वाटर जो है वो सेपरेट या टॉप पे आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि जिसकी क्या विस्कवासिटी है जिसकी क्या डेंसिटी है लेकिन क्योंकि ये अल्टीमेटली होना ही है हमने इसको डिले करना है जितना ज़्यादा आप इसको डिले कर सकें कभी हो सबा आप लोगों ने देखा हो खास हम ये काम करते हैं अपना जो हमारा पेंट हम लोग घरों में करते हैं वो इमल्शन होता है कभी आप पेंट का डब्बा मार्केट से ले करें उसको ओपन करें तो आप ये देखेंगे पेंट वाला सबसे पहले उसको मिक्स करता है क्योंकि ऑयली लेयर आई होती है ऊपर लेकिन क्योंकि उसके अंदर स्टेबल करने के लिए एमलिफर इतना प्रेजेंट होता है कि उसको हिला के वो नॉर्मलाइज हो जाता है इसलिए वो स्टेबल रहता है तो इसका भी जो फेथ है वो अगेन फेस सेपरेशन है लेकिन उस टाइम के बाद तक जिस टाइम तक आपने उसकी शेल्फ लाइफ दी तो ये हमारे पास विस्कोसिटी की बात आती है फिर थर्ड पैरामीटर जो इसके अंदर आता है वो आता है इलेक्ट्रोफ्रोटिक प्रॉपर्टीज ये अगेन जो लोगों को बात पहले बड़ी अभी तक कन्फ्यूज कर रही है कि जी सस्पेंशन में हम चार्जेस की बात करते हैं इमल्शन में नहीं करते तो उनके लिए हम इमल्शन के अंदर भी बात करते हैं लेकिन ये इतनी मेजर टर्म नहीं है वहाँ पर Charges का चेंज होना सस्पेंशन को खराब करता है यहाँ पे चार्जेस का चेंज होना सबसे पहले जो इफेक्ट आता है क्रीमिंग और कॉलिसंस आता है तो हम लोग क्रीमिंग और कॉलिशंस को पहले डिस्कस करते हैं फिर चार्जेस को डिस्कस करते हैं बहरहल इलेक्ट्रोफ्रोजिक प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास आ गई हैं जीटा पोटेंशियल ऑफ इमल्शन के अभी भैया आर्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जीटा पोटेंशियल का आपको पता है मैंने बताया था कि हम देखते हैं हम चार्ज चीज अप्लाई करते हैं अपने हम आ, हाँ हम चार्जेस अप्लाई करते हैं अपने इमल्शन को और चार्जेस अप्लाई करने के बाद हम लोग यह देखते हैं कि चार्जेस जो है इमल्शन की जो पार्टिकल मूवमेंट है उससे हमें जीटा पोटेंशियल का पता लगता है डीटा पोटेंशियल यूजफुल असेसिंग इन फ्लॉकुलेशन अगर आप को कैलकुलेट कर लें अगर आपको चेंज इन जीटो पोटेंशियल का पता लग जाए तो आप फ्लॉकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं यह हम सस्पेंशन में पढ़ चुके हैं इफ़ द इंस्टेबिलिटी इज ड्यू टू क्वालिशेंस डिटर्मिनेशन ऑफ सर्विस चार्जेज ऑफ पार्टिकल मे बी नॉट रेलिवेंट टू दि शेफ लाइफ प्रोडक्शन अब ये बात आगी फ्लॉकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जीटो पोटेंशल का सहारा लेंगे क्वालिशेंस को कैलकुलेट करने के लिए जीटो पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी का हमें नहीं बताएगी यही बात मैं आपसे बार बार करता हूँ ठीक है मेमेंट ऑफ अलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ऑइल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इज़ डिटर्म बाई प्लाटीनियम एलेक्ट्रोड और एमलशन स्टेबिलिटी को ये पावरफुल एड तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जी एलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है वाटर और ऑयल इनकी कंडक्टिविटीज़ फ़र्क हैं अगर बेस वाटर होगी तो उसकी, तो उसकी कंडक्टिविटी कोई और होगी और अगर बेस ऑयल होगी तो उसकी कंडक्टिविटी कोई और होगी एक ही जो ऑयल इन वाटर में एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी छः महीने बाद वही मलशन आपने दोबारा लिया और उसके अंदर दोबारा कंडक्टिविटी चेक की अगर फेस सेपरेशन हो गई होगी तो इस वक्त उसकी कंडक्टिविटी पहले से फ़र्क हो जाएगी बिकॉज़ फेस सेपरेशन का मतलब ये है कि ऑयल अलहदा और पानी अलहदा या फेज इन्वर्जन के केस में जो वाटर ऑयल इन वाटर इमल्शन था वो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें भी ऑयल जो है वो मेजर ट्रंक हो जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी फिर सेपरेट हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफ्लोसिड प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग कंडक्टिविटीज़ को चेक करते हैं अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इमल्शन की और हमें पता लगता है फेज सेप्रेशन या फेज इन्वर्जन तो नहीं हो रही और लास्ट हमारे पास पार्टिकल साइज़ या नंबर ऑफ एनालिसिस तो इसके अंदर हम लोग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं आपने पढ़ा होगा पार्टिकल्स को काउंट कर स्कैटरिंग की टेक्निक आपने पढ़ी होगी कि हम लोग लाइट फेंकते हैं ओवर दी दी सोल्यूशन और जो पार्टिकल उसके अंदर होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं तो उससे हमें पीछे जो एक्स रे फिल्म होती है उसके ऊपर हमें डॉट मिलता है जहाँ पे डार्क पॉइंट मिलेगा इट मीनस वहाँ पे पार्टिकल था उसने लाइट को स्कैटर कर दिया अहमद कहते हैं जी अगर सर ने आंसर दिया है तो मुझे भी बताना अहमद रिप्लाइंग टू ऐम तो वो कॉलेशन कैसे करवा सकता है जल्दी मैंने अभी आयमन आपको बताया है एमन आपको बताया है कि जब हम लोग मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है चलें ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ फॉर एग्जांपल देखिए जी ये आपका ऑयल है और ये है आपका वाटर ठीक है अब इन दोनों को करीब रखने के लिए इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको ये इमल्सीफायर की ज़रूरत है ये देखें जी ये बीच में चला गया ये वाटर जो है ये इसके बीच में आ गया सॉरी ऑयल इसके बीच में चला गया ये इमल्सीफायर है ये आपका ये ऑयल अंदर चला गया इसके इमल्सीफायर के और ये वाटर है अब ये एक इमल्सीफायर है इसको ये एक बंदा है जो इन दोनों को जोड़ के रख रहा है ठीक तीन चीज़ों को जोड़ना आसान है मैं इसमें चौथी चीज़ भी घुसा देता हूँ ये एक और ए आ गया अब ये चार एमलिफायर हैं अब मुझे अब हाथों में भी इसको पकड़ते हुए प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त कि मैं कैसे संभालूँ इनको तो जब क्वांटिटी ऑफ मल्सफायर बढ़ता है तो ठीक है आपके नज़दीक कोई उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाती होंगी असल में ऐड नहीं होती ठीक है उनको जोड़ना ज़्यादा मुश्किल काम है एज़ कम्पेयर टू तीन के नस्बत ठीक है अहमद फज़ीला सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं फेस अप्रेशन बेटा ये एज अ टेस्ट ही है बिल्कुल ये इंडस्ट्री के अंदर एज अ टेस्ट ही है हम लोग जो हैं इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज वाटर की जो कंडक्टिविटी है वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो फ़र्क है ऑयल से ये बिल्कुल हम लोग इसको यूज़ करते हैं ठीक है जी तो ये जो हमारा टॉपिक था आपका असेसमेंट का ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब हमारे पास इमल्शन के अंदर एक लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि सॉरी दो टॉपिक हमारे पास इसके अंदर रह गए हैं एक जो टॉपिक है वो हमारे पास है मल्टीपल इमल्शन का और दूसरा टॉपिक है हमारे पास माइक्रो इमल्शन का और तीसरा टॉपिक है हमारे पास इक्विपमेंट्स का तो ये तीन टॉपिक जो हैं ये अभी मैं आपके सामने जो है इनको कंप्लीट करवा देता हूं। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं या हम इसको यूँ करते हैं कि अभी पच्चीस मिनट हुए हैं पाँच मिनट हैं हमारे पास आप क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस कर लूंगा ठीक है जी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये चैप्टर हम कल कंप्लीट कर लेंगे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं ताकि फिर मैं साइन आउट हो जाऊँगा फिर जी अहमद समझ आ गई आपको एमन आपको समझ आ गई एमन सर यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती तो जीता पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है बेटा क्लाउड फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे क्लाउड किसका बन रहा है यहाँ पे क्लाउड बन रहा है ऑयल वाटर और सेंटर में जो एमल्सिफार की लेयर है ठीक है वो एक क्लाउड बना रहा है वो जो एमल्सिफार की लेयर है उसका एक पार्ट मिला हुआ है विद दी वाटर और दूसरा मिला हुआ है विद दी ऑयल ठीक है तो वो क्लाउड है इट तो वो भी वहां पे जो आपस में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस हैं वो किन्हीं चार्जेस की वजह से ही होगी ना ठीक है दो हम उन चार्ज को डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे लेकिन वहां पे चार्जेस डेफिनेटली होते हैं ठीक है जी सो तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं जी कोई क्वेश्चन नहीं है चलें ठीक है जी फिर इस लेक्चर को काइंडली आपने अगेन इसको कन्वर्ट करके तो व्हाट्सएप पे आपने इसको अपलोड कर देना ताकि सब स्टूडेंट्स तक ये जो है लेक्चर पहुंच सके कल इनशा हम लोग ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ इन मूव करूँगा ठीक है और तब तक जो सी आर वो चले रहने दें मेरा था प्लान कोई प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स देने का लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने दे रहा पहले पढ़ा लूँ फिर जो इन जब वापस आएंगे तक टाइम भी हमारे पास होगा विल सी कि हमने क्या करना है तो टिल दैन टिल नेक्स्ट लेक्चर इन दो बजे वापस हम मुलाकात करते हैं और अल सी यू इन टुमारो। टमारो अपना ख्याल रखें घर में रहें अपने घर वालों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़